नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज, उसके अध्याय 14 का, लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखित अमर शहीद एकांकी का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने भाग एक का अध्ययन किया था, जिसमें सागरमल गोपा और गुमान सिंह के बीच में बातचीत होती है, और गुमान सिंह हैं कहता है कि तुमने जो जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह हैं जो हैं उनके खिलाफ जो तुमने बातें कही हैं, तो अगर तुम उनसे माफ़ी मांग लो तो तुम्हें तुम्हारे अपराध से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन सागरमल कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ। तो इस प्रकार से काफ़ी वाद विवाद होता है उनके बीच में, और सागरमल कहता है कि तुम्हारा यह जो जुर्म का राज्य है वो ताश की तरह ढह जाएगा, तो एक दिन ऐसा भी हो जाएगा, और तुम्हारा जो यह राक्षस सामंती व्यवस्था है वो शमशान बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब सागरमल कहता है तो गुमान सिंह को अत्यंत गुस्सा आ जाता है। तो जब गुस्सा आता है तो क्या रहता है, तो वह हम भाग दो के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि गुमान सिंह हैं चीख कर कहता है, ओह चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था तो शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, पर तेरी मौत तेरे सिर पर अवश्य मंडरा रही है। ठहर ठहर, अभी बताता हूँ। जोर से पुकार कर बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर, बाहर से तीनों की आवाज़। अब ये तीनों ही जो हैं वो सिपाही हैं जिनका नाम हमने पहले पढ़ा था उसमें, जो पात्र हैं इस एकांकी के। तो जोर से चीखते हैं कि अरे चुप कर कमीने, यह सामंती व्यवस्था शमशान बनेगी या नहीं, मेरी मौत का पैगाम आएगा या नहीं, लेकिन तेरी मौत अवश्य ही तेरे सिर पे मंडरा रही है, और ठहर जा अभी तुझे बताता हूँ। और ज़ोर से पुकारता है जो वहाँ बाहर खड़े हुए सिपाही थे, बीरबल, मुनका सोहिल, अहमद कलर को। तो वो तीनों एक साथ आवाज़ देते हैं, हुक्म रावलोद जी। अब तीनों की एक साथ आवाज़ आती है, सामूहिक आवाज़ आती है। तो गुमान कहते हैं सिपाहियों से कह दो कि आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लाते, घूसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारें, मार मार कर इसका कचुम्बर निकाल दें। अब वो आदेश देता है कि सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़े, लाते, घूसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारें और मार मार कर इसका कचुम्बर निकाल दो, यानी कि बहुत अधिक मारो इसको कि इसको पता लग जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बीरबल के बाहर से ही, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पांव के बट। बट निकालना मतलब कि जितना तुम मारना चाहो तो पिटाई कर लो इसकी। सिपाही आते हैं, कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट की ठोकर, कोई पीठ पर गुस्सा मारता है, कोई लाठी मारता है। सागर हाय हाय करता है। थोड़ी देर तक मारपीट चलती है, फिर वे सागरमल को ज़मीन पर गिरा देते हैं। उसके पाँव पर सिपाही खड़े हो जाते हैं। वह ज़ोर से चीखता है, गुमान से वह सिपाही ज़ोर से हंसते हैं। सागरमल तड़प कर बेहोश हो जाता है। अब देखिए कितनी निर्ममतापूर्ण जो है व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है सागरमल गोपा के साथ में। तो वह इतना अधिक उसे पीटा जाता है, मारा जाता है, उसे इतनी अधिक प्रताड़ना दी जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है कि सागरमल गोपा जो है वो तड़प कर बेहोश हो जाता है। फिर गुमान कहता है, फेंक दो इस जिंदा लाश को। सिपाही बेहोश सागरमल को घसीट कर रंगमंच की एक तरफ डाल देते हैं। इसी तरह जेलर दरवाजे में से आता है, वह सागर की ओर ध्यान से देखता है। अब देखिए जो जेलर हैं कर्णीदान सिंह हैं, क्योंकि गुमान सिंह पुलिस अधीक्षक था, तो जेलर गुमान सिंह आ रहे हैं जैसे कर्णी सिंह हैं, कर्णीदान जो हैं वो आ रहे हैं इसमें। तो वो कहते हैं कि जब देखता है इसको तो गुमान, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, वो सजा दूंगा कि यह है। अब गुमान सिंह है यानी कि जेलर साहब कुछ नहीं बोले, बल्कि देख रहे हैं सागर की ओर ध्यान से देखते हैं कि कहीं मर तो नहीं गया ये। तो गुमान सिंह उस बात को भांपते हुए कहते हैं कि मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प तड़प कर मरना है, अब ये तड़पेगा, अभी तो तड़प तड़प के मरेगा ये, वो सजा दूंगा कि यह है। अब यह है, अब जेलर बीच में बात काट कर कहते हैं, वो तो ठीक है गुमान सिंह जी,
पर सभी को एक ही लाठी से नहीं हांका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने हैं, सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नीति मतलब कि किस प्रकार के नियम हैं, साम दाम दंड भेद, इस प्रकार की ये जो चार नीतियाँ बताई गई थी, तो उनमें उन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहावत है कि अपना काम भी निकल जाए और किसी को हानि भी ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो। तो गुमान कहता है वो असमंजस में है कि आपकी बात समझा नहीं मैं। जलर कहता है कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा, अब आप जाइए, मुझे सागर को होश मिलाकर ज़रूरी बात करनी है। तो गुमान से जाते जाते मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लें। तो जेलर कहता है ज़रूर और हाँ। फिर जब गुमान से जाते जाते रुक जाता है, थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। तो गुमान से जाते हुए कहता ठीक। अब देखिए वहाँ का दृश्य कैसा हो गया है। तो जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसे सीधा करता है, उसकी नवज देखता है। अब नवज क्यों देखी जा रही है, कि कहीं वो मर तो नहीं गए सागरमल, है ना। तो इसलिए नवज देखता है, उसकी नाड़ी देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लाता है। जेलर सागर के मुँह पर 2-3 बार पानी के छींटे देता है। धीरे धीरे करहाता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। अब देखिए ये भी कोई नीति है, है ना। तो साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियाँ बताई गई हैं। तो इसमें ये नीति का प्रयोग कर रहा है, साम यानी कि सहानुभूति दिखा रहा है। जेलर सहानुभूति से सागर मल सागर, अब सागरमल फिर सागर कहते हैं, सागर कराते हो जी। जेलर कहते हैं सागर अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती, ओह क्या दशा हो गई है तेरी। अब देखिए किस प्रकार से उसको प्रलोभन में लेना चाहता है जेलर सागर को, कि अपनी जान पर रहम खा, देख तेरी क्या हालत हो गई है, यह हालत जो है मुझसे देखी नहीं जाती है। तो सागर कहते हैं धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। अब जो सागर है वो उनकी बात को समझता है। वो कहता है कि जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं उनको सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जेलर कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो, अभी आराम से बात कर रहा है जेलर जो है। तो सागर कहते हैं, सागर जो दुख भरी मुस्कान से, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। तो जेलर प्रसन्न होकर, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। तो सागर बात को समझ आता है कि मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। तो जेलर कहते हैं तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। और देखिए धमकी भरे लहजे में जो जेलर वो कह रहे हैं कि तेरी भारत माता अब इसमें कहते हैं तेरी भारत माता स्वतंत्र हो या नहीं हो, पर तेरी सांसों का जो सूर्य है वो जरूर अस्त हो जाएगा। अब सागर जो उठने का प्रयास करता है और जेलर सहारा देकर उसको खड़ा करता है। एक बार इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। देखिए कितनी देशभक्ति की भावना सागरमल गोपा में कूट कूट के भरी हुई है, कितना अधिक जो प्रताड़ित किया जा रहा है जेल में, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर इस स्वतंत्रता के लिए, अब इस मतलब भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, अगर वो कहता है कि मुझे मेरे प्राणों के हजारों सूर्य व्यस्त अगर हो जाएं और करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। जेलर कहते हैं पर सागर जरा सोच, अगर वह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा, तेरा घर, तेरा परिवार। अब देखिए घर परिवार की बातें लाकर उसको जो है मानवीयता जो है उसके मर्म को छेड़ा जा रहा है, मन को टटोला जा रहा है कि सागर क्या कहता है। तो सागर हल्की सी हंसी के साथ, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। अब सागरमल कहता है कि जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं वो संसार से कुछ लेने की नहीं बल्कि संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं, तमन्ना का मतलब इच्छा रखते हैं जेलर साहब। वे अपने जीवन की सांसों के मोतियों से अपना घर नहीं संसार को सजाते हैं। वो कहते हैं कि अपने जो जीवन है उसकी सांसों से के मोतियों से अपना घर नहीं सजाते वो,
बल्कि संसार को सजाते हैं। तो जेलर कहते हैं, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली, तो अब वो उसका जो मनोबल है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है जेलर के द्वारा कि चलो ठीक है मान लिया तुम संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुमने जीवन भर संघर्ष किया और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो क्या होगा। तो सागर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है, हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं, कितना चल पाएंगे कितना बढ़ पाएंगे कौन जानता है। अब देखिए सागरमल कहता है कि यह तो एक लंबा सफ़र है, ये ऐसे थोड़ी कि छोटा सा सफ़र है, जल्दी से हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, हम तो अपने प्राणों की जो मशाल जलाकर उस पर चल रहे हैं, अब कितना चल पाएंगे कितना बढ़ पाएंगे कौन जानता है। जेलर कहते हैं, और चलते चलते ज़िंदगी के कदम थक गए तो, अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ज़िंदगी के कदम ही थक गए तो क्या होगा, अगर ज़िंदगी नहीं रही तो क्या होगा फिर। तो सागर कहता है, तो यह मसाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सरक कर आराम से सो जाएंगे। अब देखिए सागरमल जो है विचलित नहीं हो रहे, तो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यह जो मसाल है स्वतंत्रता की, जो मसाल है जो प्राणों की मसाल है, वो किसी और को सौंप कर तो मौत की गोद में से रख कर आराम से सो जाएंगे। तो जेलर कहते हैं, पर सागर जब तक जान है तब तक जहान है, जहान मतलब ये सारा संसार है, जब तक जान है तो क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज तूफानों में तुम्हारी यह मसाल जलती रह सकेगी। अब ये तेज तूफान मतलब कि कितना तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्या ऐसे तूफानों में तुम्हारी जो मसाल है वो जल सकती है, जली रह सकती है। सागर कहता है, वह मसाल ही क्या जेलर साहब जो तूफानों में बुझ जाए, कि थोड़ा सा कष्ट सहा नहीं कि हम विचलित हो जाएं, तो ऐसी मसाल ही किस काम की है जो इन तूफानों से बुझ जाए। फिर भी अगर यह मसाल बुझने लगी तो हज़ारों दूसरी मसालें प्रज्वलित करके बुझेंगी। अब वो कहते हैं कि अगर यह मसाल बुझने भी लगी तो कोई बात नहीं है, तो इस मसाल से हम हज़ारों जो मसाले हैं वो प्रज्वलित कर देंगे, फिर ये बुझेगी। हर मसाल को एक ना एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से, फिर बुझने से क्या डर। अब देखिए सागर कहते हैं कि मरने से क्या डरना है, कि मरना तो है ही सभी ने, मृत्यु तो निश्चित है ही, चाहे किसी की मृत्यु जल्दी हो जाए किसी की देर से, लेकिन मरना सभी को ही है। जेलर कहते हैं, पर सागर उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले। अब जेलर उसको विचलित कर रहे हैं कि वो जो अपनी जिद को छोड़ दें और महारावल से वो जो है माफ़ी मांग लें और अपने साथियों के जो नाम है वो बता दें, लेकिन इसी प्रकार से उसको हतोत्साहित करते हुए जेलर कहते हैं कि वह स्वतंत्रता किस काम की, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर मौत के बाद में मिले तो। अब सागर बीच में बात काट कर कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा, वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है, भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। अब देखिए इसमें कहा है कि कोई भी जो कार्य है वो स्वयं के लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए होता है, तो इसमें उदाहरण दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी जो है वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई आम का बाग लगाता है, लेकिन वह आम का अमृत जो है वो स्वयं के लिए नहीं होता उसकी, बल्कि वह दूसरों के लिए ही उसको लगा रहा है कि उसके अमृत रूपी जो फल हैं वो उसको प्राप्त हो सकें। तो उसी प्रकार से ही इसमें भागीरथ का उदाहरण भी दिया गया है कि भगीरथ जो है वो खुद के लिए गंगा नहीं लेके आया था बल्कि दूसरों के लिए लेके आया था, और युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से यानी गंगा से अपना तन मन जो है उसकी प्यास को बुझाते रहेंगे। जेलर फिर कहते हैं, गंगा लाने पर भगीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी कोठरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। अब देखिए फिर उसको कहा है कि भगीरथ का नाम तो अमर हो गया है, लेकिन तुम्हारा नाम थोड़ी यहाँ से बाहर जाएगा, तो घुट घुट कर इसी में मिट जाएगा। तो सागर कहते हैं, नीम का पत्थर कब कहता है जेलर साहब की मेरी कहानी बनी, उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होती है। अब नीम के पत्थर का उदाहरण दिया इसमें लेखक ने सागर मलगोपा के माध्यम से
कि नीम का जो पत्थर है, अब नीम का पत्थर कहता है कि वो कब अपने बारे में कहता है, तो भवन जो खड़ा होता है तो वह उसकी जीवंतता की कहानी कहता है। अब नीम का पत्थर मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम में पहले बलिदान करने वाले होने चाहिए, उसके बाद में ही स्वतंत्रता की जो है जो भव्य मंदिर है या भवन है वो खड़ा हो सकता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व तो उजागर न हो। इसीलिए नीम के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। अब जेलर कहते हैं फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। अब सागर कहते हैं, अब हल्की हंसी चेहरे पे है, काफ़ी दर्द भी उसको हो रहा है सागरमल को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जेलर साहब बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाएं? वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। अब देखिए किस प्रकार से लेखक जो है उदाहरण दे रहा है कि जब पुराने पत्ते झड़ेंगे तो ही नए पत्ते आते हैं, तो बसंत तभी आता है जब पुराने जो हैं अपना बलिदान देंगे। जेलर कहता है फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है, उसे यूं नष्ट न करना बिना किसी फल की आशा के। अब देखिए अध्यात्म की ओर ले जा रहा है जेलर उसको कि किसी न किसी प्रकार से जो सागर है उसकी बातों में आ जाए और वह महारावल से माफ़ी मांग ले और साथ ही साथ वह अपने साथियों के नाम भी बता दें। अब ये 84 लाख जो योनियाँ हैं आध्यात्मिकता धर्म से संबंधित है, तो कहता है कि तुम यह जो मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख योनियों के में भटकने के बाद में मिला है और वह भी बहुत मुश्किल से मिलता है और तुम इसे यूं ही नष्ट किए जा रही हो बिना फल की आशा के। तो सागर कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि आहुति से कौन सी लपट उठती है, उठती भी है या नहीं, वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। अब देखिए इसमें कहा है कि एक जो स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांतिकारी है वो तो केवल बलिदान देना ही जानता है, उससे अब चाहे कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, समाज में परिवर्तन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, लेकिन वह अपनी आहुति देना अपना धर्म समझता है। जेलर कहते हैं पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्ण आहुति हो जाएगी? अब देखिए वो कहते हैं कि तुम्हारे एक के बलिदान हो जाने से, ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारे अकेले के बलिदान हो जाने से ये जो भारत भूमि है वो आज़ाद हो जाएगी। तो सागर कहते हैं जेलर साहब जैसे एक बीज गलकर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लो जलकर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति न बने पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। अब देखिए कितना आशावादी दृष्टिकोण है सागरमल गोपा का। वो कहता है कि जिस प्रकार से एक बीज जो है वो गलकर सैकड़ों बीज पैदा कर देता है और एक जो दीपक है उसकी जो लो है वो हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर हजारों उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद जो है वो अपने प्राणों की बीज बोकर शहीदों की जो अमर फसल है उसको उगा सकता है, और मेरे जो प्राणों की आहुति चाहे पूर्ण आहुति नहीं हो कि मेरे प्राण देने से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, लेकिन उस यज्ञ को तो प्रज्वलित रखेंगे जो देश को आज़ाद करवाने के लिए जो यज्ञ चल रहा है, तो मेरे प्राणों का दीप जो है। अब जेलर बीच में बात को रोकता है, पर सागर तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरे से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा जो दीप है, तुम कह रहे हो जो दीप जला दूंगा मैं ये करूँगा है ना, तो ये सब बेकार की बातें, तुम्हारे प्राणों का जो दीपक है वो तो बुझा दिया जाएगा यहाँ पे, और रोशनी की जो एक किरण भी है ना जो तुम्हारे दीपक की जो तुम कह रहे हो तो इस काल कोठरी से बाहर नहीं फैलने दी जाएगी। सागर कहते हैं पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। अब देखिए वो सागरमल निर्भयतापूर्ण जो है जेलर की बातों का जवाब दे रहा है। वो कहते हैं कि अगर आग बुझ भी गई तो फिर क्या है, वातावरण जो है उसमें तो वो गर्मी बनी रहेगी।
और कहीं ना कहीं वो लपट बनकर फिर से जल सकती है। तो जेलर कहता है ये सब जुनून की बातें हैं। जुनून मतलब कि एक प्रकार का तुम्हारे ऊपर जो है एक नशा छाया हुआ है कि भारत को आज़ाद करवाना है, तुम यहाँ पर कोटे में कैद हो, यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा, तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। अब जेलर उसको धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि तुम्हारी यह जो आवाज़ है ना यहीं पे कुचल दी जाएगी और तुम परकोटे में कैद हो और तुम्हारी जो आवाज़ है वो कहीं भी बाहर नहीं जा पाएगी और ना ही तुम्हारी आवाज़ को कोई सुन सकेगा, तुम्हारी सपनों की जो दुनिया वो इस काल कोठरी के अंदर दफन हो जाएगी। सागर हंसकर, आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब, मेरी आवाज़ का यदि गला घोंटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। अब सागर कहता है कि आवाज़ कभी मरती नहीं है जेलर साहब, अगर आप आवाज़ को जितना दबाना चाहेंगे ना तो वह दबती नहीं है, बल्कि वो मेरी आवाज़ जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ कभी दबती नहीं और कभी मरती नहीं है। फिर सोचकर फिर कहते हैं कि फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जनरल साहब, कि गंगा जो है ऊपर तो दिखाई देती है लेकिन जब कई स्थानों पर वह नीचे ही नीचे बहती रहती है और जो शीतलता दिए रहती है। तो कहता है कि हमारा तो लुप्त गंगा की तरह होता है हमारा जो जीवन है, ज़िंदगी जो है जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़ कर बह निकलती है, उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। तो जेलर कहता है यह सब पागलपन है सागर, कि तुम पागलपन की बातें कर रहे हो, ये पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। तुमने कभी सोचा है तुम कितने स्वार्थी हो? अब देखिए किस प्रकार से भावात्मक रूप से इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सागरमल को, कि तुम कितने स्वार्थी हो गए हो, कि तुम्हारे इस जीवन का सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए, दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उठ जाएं, तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं, सुनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है, क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? और देखिए किस प्रकार से भावात्मक रूप से उसको जो है कमज़ोर किया जा रहा है, कि क्या तुम अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते कि तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हारे लिए तरसते तरसते मर गए हैं, तुम्हें देखना चाहते थे, है ना, तुम्हारी बूढ़ी माँ जो है उसके न जाने प्राण पखेरु कब उठ जाएं, वो बीमार रहती हैं, तुम्हारे भाई भी तुम्हारे लिए कितने दुखी रहती हैं, और तुम्हारी जो पत्नी है जिसकी गोद अभी सुनी है, तुम्हारे कोई बच्चा भी नहीं है, वह दिन रात रोती रहती है, क्या तुम्हें उनके ऊपर दया नहीं आती? तो सागर कहते हैं जेलर साहब, अब थोड़ा दुखी तो होता ही है क्योंकि घर की जब बात शुरू होती है तो मैं एक आंख से इन्हें देखता हूं तो दूसरी आंख से देश की दुखी जनता को देखता हूं। अब वो सागर कहता है कि मेरा ध्यान जो है परिवार की तरफ भी है, मैं परिवार को जब देखता हूं तो दूसरी तरफ मैं देश की जो दुखी जनता है उनको भी देखता हूं, एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूं जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, मेरे देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर हैं, यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होंठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सकें तो मैं अपने परिवार की हर कलह हर आंसू सहने को तैयार हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी बात जो है लेखक ने सागर के माध्यम से कहलवा दी है यहाँ, कि यह जो मातृभूमि है वो मेरी माँ की भी माँ है और जो मेरा देश है वो मेरे पिता का भी पिता है, यानी कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, और मेरे जो देशवासी हैं वो मेरे परिजनों से बढ़कर हैं, यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होंठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सकें तो मैं अपने परिवार की हर कराह हर आंसू सहने को तैयार हूँ। और कहते हैं कि मेरे परिवार के अगर दुख या आंसू जो है मेरे प्रति जो बह रहे हैं, अगर उनके कारण से अगर भारत भूमि जो है भारत माता जो है मातृभूमि जो है उसको सुख स्वतंत्रता की मुस्कान प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जेलर कहते हैं देखो मेरी बात मानो कि व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फायदा नहीं है, महारावल जवाहर सिंह हैं कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता हैं,
उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो। अब देखिए जिस प्रकार से गुमान सिंह ने सागरमल को कहा था कि तुम जवाहर सिंह से माफ़ी मांग लो, महारावल जवाहर सिंह हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनसे माफ़ी मांग लो, लेकिन सागरमल ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और जिसके कारण से इसकी पिटाई हो गई थी, लातों घूसों से पिटाई कर दी गई है ना, पिटाई कारण से बेहोश हो गया। और अंत में जो जेलर है वो भी वही बात कह रहा है कि तुम महारावल जो जवाहर सिंह हैं उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि वे अपने अन्नदाता हैं और उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो। तो जेलर की बात का सागरमल पर क्या असर होता है, क्या वो जेलर की बात को मानता है या नहीं मानता, तो आगे क्या होता है तो वो पढ़ेंगे हम भाग 3 के अंतर्गत, कि जेलर की कही बातों से सागरमल किस प्रकार से व्यवहार करता है और सागरमल की कही बातों से जेलर का व्यवहार कैसा हो जाता है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे भाग 3 के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ ही हमने भाग 2 का अध्ययन किया है, तो जिसमें पढ़ा कि जेलर और सागरमल के बीच में क्या बातचीत हो रही है, और जेलर भी अंत में सागरमल से यही कहता है कि तुम माफ़ी मांग लो महारावल जवाहर सिंह से। तो आगे के भाग में पढ़ेंगे कि वो माफ़ी सागरमल मांगता है या नहीं मांगता, उस पर अत्याचार कम होते हैं या अत्याचार बढ़ते हैं, और अंत में क्या स्थिति रहती है, उसका अध्ययन हम करेंगे आगे के भागों में। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।